सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उनके भोपाल स्थित निवास पर मुलाकात की। इसके साथ ही सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बैच लगाकर सम्मानित किया। इस मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर शुभकामनाएं दी और लोगों से शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद करने की अपील की। वहीं मध्य प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने कहा, हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन भूतपूर्व सैनिकों का अभिनंदन किया जाता है। ये दिन हर साल 7 तारीख को मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन का महत्व है जो हमारे वीरगति प्राप्त सैनिक हैं उनका सम्मान करना, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनका अभिनंदन करना, और जो देश की जनता और हमारे सेना के बीच जो एक अटूट संबंध है उसको और सुदृढ़ करना है। आपने देखा है ये कंप्लीट साल, पूरा साल महामारी की चपेट में आया है और हम लोगों के आने जाने में आवाजाही पे बहुत भारी अंकुश रहा है। ऐसे हालात में भी हमारे वीर सैनिक सेना अपनी सीमाओं पे खड़े होकर देश की रक्षा में सजग है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि बढ़ चढ़कर अनुदान करें आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के लिए। आज ब्रिगेडियर साहब आए थे, झंडा दिवस जिसके नाम से अपन सशस्त्र सेना का हमारे का झंडा दिवस के रूप में है, देश की सेवा में सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाली। शुभकामनाओं के साथ में मैं प्रदेश की जनता से अपील भी करूंगा, जो सहयोग वो कर सकते हो वो करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है बैल हमारी शहीदों के परिवार जो है उन परिवार के लोगों के वेलफेयर में जाता है, उनके कल्याण में जाता है। तो आओ आज इस झंडा दिवस पर हम इन सबका सहयोग भी करें और इस पुनीत काम में आगे बढ़कर हिस्सा भी।